चंडीगढ़ को मिलने जा रही आईसीसी यानी कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सौगात कितनी बड़ी है चंडीगढ़ शहर के लिए, इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। पीछे एक दिखाना चाहूँगा, एकीकृत नियंत्रण केंद्र जो है यहाँ पर, उस जो कल जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, उसकी तैयारियों के लिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बड़े जो फ्लैग्स हैं वो यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। बड़ी सी तस्वीर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्डिंग, दो बिल्डिंग मैं यहाँ पर साथ में दिखाऊंगा कि पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो मेरे राइट साइड पे बना है और उसके साथ में जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, 30 स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई हैं। 30 स्क्रीन जो हैं शहर में लगाए गए हैं, करीब करीब 2000 से ज़्यादा कैमरे, 2050 कैमरे के आसपास यहाँ पर जो सिटी में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और ये वो प्रीमिसेस है, यही वो रास्ता रहेगा सेक्टर 17 चंडीगढ़ का, जहाँ से कल अमित शाह इसी बिल्डिंग के अंदर आने वाले हैं, जहाँ स्वागत होगा। इस जो यहाँ कैमरे लगाए गए हैं उनका पूरा आंकलन जो मैं बता देता हूँ कि वो वर्किंग कहाँ का और किस तरीके से होने वाली है। चंडीगढ़ शहर के 3 अस्पताल सेक्टर 16, सेक्टर 32 और PGI को कवर किया जा रहा है। हर एक हरकत पर नज़र रखने के लिए, आने जाने वाले सभी लोगों पर निगाह रखने के लिए 98 स्कूल जो हैं इसके जद में आएंगे। 10 कम्युनिटी सेंटर हैं, 10 पार्किंग वाटर वर्क्स 10 हैं और 25 पार्क जो हैं वो 10 ओवर स्पीड लोकेशन, 5 एवरेज स्पीड और 5 ओवर स्पीड, 5 एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो हैं चंडीगढ़ शहर के वो इसी की जद में आने वाले हैं। इसकी इन सभी कैमरे की निगाह जो है वो हर चप्पे चप्पे पर रहने वाली है। शहर के अंदर आने वाले हर एक गाड़ी का नंबर, हर एक व्यक्ति का जो चेहरा जो है वो इन कैमरों की जद में रहने वाला है। कोई भी वांछित अपराधी किसी दूसरे स्टेट से भाग करके अगर यहाँ पर है तो वो कैमरे जो है गाड़ी में बैठे हुए उस व्यक्ति का चेहरा भी पूरी तरह से लोकेट कर पाएंगे। लोकेट करने के साथ इसी कमांड सेंटर में तुरंत जो है बीपअप होगा। बीपअप होने का तुरंत जो मतलब रहेगा, अर्थ रहेगा सीधा सा कि शहर में कोई जो अवांछित अपराधी जो है वो शहर में एंट्री कर रहा है और किस एरिया से वो एंट्री कर रहा है वो पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी। पुलिस प्रशासन को जो है तुरंत इतला दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमांड सेंटर जो है कॉलिंग सेंटर वो भी बनाया गया है, जिससे कि तुरंत पुलिस प्रशासन के अधिकारी हों या किसी और विभाग के अधिकारी तुरंत उन्हें सूचना दी जा सकेगी। सिर्फ सुरक्षा ही इस शहर इन कैमरों का जो है मकसद नहीं रहने वाला। इसके साथ में शहर के चप्पे चप्पे में जो गाड़ी आपके घर के अंदर जो कूड़ा उठाने के लिए आती है, क्या वो समय पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, शहर के किसी भी एरिया में पानी की जो सीवरेज ब्लॉकिंग है या पानी अगर ओवरफ्लो है, पानी का कहीं दिक्कत परेशानी है, वो उसकी भी यहाँ पर जो है तुरंत जानकारी इसी सेंटर पर मिल पाएगी। और उसके बाद तमाम जो अधिकारी संबंधित विभाग के हैं उन्हें मौके पर भेजा जा सकेगा। अधिकारी को सूचना देने के बाद वो अधिकारी मौके पर कितनी देर में पहुँचा और समस्या का समाधान कितनी देर में हुआ, ये पूरी चीज़ें भी कैलकुलेटेड तरीके से यहाँ पर पूरे नोट की जाएंगी और नोट करने के साथ में जवाबदेही तय की जाने वाली है कि किस अधिकारी को क्या जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम वो शहर के वो बिल्कुल इन कैमरों के माध्यम से किए जाने वाले हैं। शहर में अगर कोई भी ओवर स्पीडिंग है या कोई जेब्रा क्रॉसिंग की जो वायलेशन है, इस तरह की जो वायलेशन जो होने वाली है वो अगर बात की जाए कि ट्रायल बेस के अंदर जो है करीब जो हमें जानकारी मिली कि 15 से 20 हज़ार ऐसे मामले सिर्फ ट्रायल बेस में सामने आ चुके हैं जहां वायलेशन कैमरों ने पकड़ी है। और वो अब जब ये कल जो सौगात पूरे शहर को मिल जाएगी उसके तुरंत बाद लोगों के घरों पर चालान जो है सीधे वो सिर्फ नंबर प्लेट के माध्यम से वो पहुंचने शुरू होने वाले हैं। कहा जा सकता है कि कुछ दिक्कतें जो हैं वो शहर को जरूर हो सकती है, लेकिन मकसद एक के लोग जो नियम हैं उनकी पालना करें, उनका अनुसरण करें और जो नियम जो बनाए गए हैं जिनके लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों को सड़क पर तैनात रखना पड़ता था, वो सुरक्षा जो है पुलिस कर्मचारी वहाँ से हटाए जा सकेंगे और पूरी जिम्मेवारी जो है वो कैमरों के ऊपर आने वाली है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी को यह सौगात जो है वो सेंटर की तरफ से दी गई है। 295 CR की लागत से ये 3 भवन जो है वो बनाए गए हैं और बड़े कारगर जो है वो साबित होने वाले हैं। बताया गया कि आगरा, जम्मू और मैंगलोर के बाद में ये चौथी जो जगह है वो फाइनल की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर ये शुरुआत की गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक बहुत बड़ी ऐसी सौगात मतलब उसका अर्थ सीधा ये है कि लोगों की सुरक्षा जो है वो सरकार की नज़र में कहीं ना कहीं प्राथमिकता है। लोग जो है सेफ रहें, शहर में किसी तरह की घटना
दुर्घटना ना हो। दुर्घटना अगर कहीं पर भी होती है, कहीं आगजनी होती है, कहीं छेड़छाड़ होती है, एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस सहायता आपको मिल पाए, एम्बुलेंस सहायता, चिकित्सीय सहायता जो है वो तुरंत मौके पर पहुँच पाए, वो सभी चीज़ें जो जिसमें पहले से लोगों की शिकायत रहती थी कि जो समस्याएँ हैं उनका निवारण नहीं होता, समाधान नहीं होता, वो समस्याओं का निवारण और समाधान जो है वो तुरंत होने लगेगा। अधिकारियों की जिम्मेवारी जब वो तय होने लगी, इसके साथ में वायलेशंस जो हैं शहर के अंदर, वो सबसे बड़ा मुद्दा वायलेशंस को ख़त्म करने का है। कैमरे की जद में एक रोड पे अगर कहा जाए 3 लेन की जो एक सड़क है उस पे भी 4 कैमरे रहने वाले हैं। उन कैमरों का अलग अलग रोल है, अलग अलग महत्व है, वो अपनी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से निभाएंगे। गाड़ी की नंबर प्लेट से लेकर के अंदर बैठे आदमी तक के चेहरे को वो स्पष्ट से दिखाएंगे। कहीं भी अगर कोई वांछित अपराधी, कोई वांछित आदमी अगर शहर के 20 एंट्री और एग्जिट पॉइंट से घुसने की कोशिश कर रहा है तो वो यहाँ पर बीपअप होगा। तो कहा जा सकता है कि कुल मिला के कहा जाए तो बहुत बड़ी एक सौगात, बहुत बड़ी सुरक्षा के मापदंड से अगर देखा जाए, सुरक्षा के नज़रिए से अगर देखा जाए तो चंडीगढ़ पूरी तरह से एक सेफ सिटी बनने जा रही है। कैमरामैन गुरी के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ऑनली चंडीगढ़।